प्रधानमंत्री जी के द्वारा गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत में 5 किलो चावल पर व्यक्ति छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए लगातार दी जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसको अफरातफरी करने में लगी हुई है। आज चावल संपूर्ण लोगों को नहीं मिल रही है, कुछ लोगों को मिल रही है और बड़े पैमाने पर तादाद पर चावल की अफरातफरी हो रही है। इसकी जाँच की मांग पहले भी किए हैं और आज भी जाँच की मांग करते हैं। लगभग चावल में छत्तीसगढ़ की सरकार ने 3000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इसकी संपूर्ण जांच होनी चाहिए और जो दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। गरीबों का चावल है, गरीबों को मिलनी चाहिए। यदि वो चावल समय पर नहीं पहुंचाया गया तो इसके लिए विधानसभा से लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। गरीबों के साथ में अन्याय ना हो, उनका हक ना मारा जाए, ये सरकार को देखने की आवश्यकता है। लेकिन लगातार गरीबों के साथ में उपेक्षा हो रही है। जगदलपुर के एक भ्रष्ट कांग्रेसी पार्षद को बचाने में मेयर से लेकर के मुख्यमंत्री तक लगे हुए हैं। पूरे प्रशासन आज इस बात पर लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया है जगदलपुर बंद करने का, कि पार्षद के खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। पूरे जगदलपुर को पुलिस छावनी के रूप में बदल दिया गया है और लगभग हमारे सभी नेता केदार कश्यप, संतोष बापना, किरण देव, उसके साथ रूप सिंह मंडावी, संजय पांडे और उनके साथ लगभग 500 कार्यकर्ताओं को अलग अलग थाने में ले जा करके बैठाई गई है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। व्यापारियों को धमकाया गया है, चमकाया गया कि यदि आप बंद करेंगे तो आपके ऊपर सख्ती से साथ कार्रवाई की जाएगी, आपके ऊपर FIR किया जाएगा। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं और सरकार जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हुए हैं, ये मामला साफ हो गया है। मामला प्रूफ है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं और उनको बचाने के लिए जिस प्रकार से हथकंडा अपना रहे हैं ये सरासर अन्याय है। आज लोग अगवा कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, पैसे की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर अवैध शराब, अवैध उत्खनन जारी है, जहाँ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन पुलिस केवल एक कार्य में लगी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना, भयादोहन करना, उनको दबाना और इस प्रकार के जो कृत्य है सरकार के उसका हम निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई डरने वाला नहीं है, उनके चमकाने से कोई चमकने वाला नहीं है, उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन जो लोकतंत्र की हत्या लगातार छत्तीसगढ़ में हो रही है, आज इस बात की चिंता है कि पहले कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद बनी तो इसी प्रकार के हथकंडा अपनाए गए थे और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इशारे पर सरकार जो भ्रष्टाचारियों को बचाने का जो काम कर रही है, इससे प्रूफ है कि छत्तीसगढ़ के पैसा बाहर भेजो और भ्रष्टाचार यहाँ पर खुल के करो और उनके जनप्रतिनिधि के भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। इस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। इनके गिरफ्तार करने से मामला ठंडा होने वाला नहीं है, बल्कि आने वाले समय में और उग्र आंदोलन होने की संभावना है।